वेलकम बैक टू माई चैनल गर्ल जोन। सो या इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन हाई आई एम श्वेता और आज हम लोग का डेयर चैलेंज होने वाला है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोल किया था और उसमें बहुत सारे डेयर्स मेरे को मिले, तो मैंने उसमें से कुछ डेयर्स चुने हैं करने के लिए। तो आगे आप लोग को बहुत फन वाला डेयर्स देखने मिलेगा और मेरा बैंड बजेगा आज, तो गॉड सेव मी। तो लेट्स प्रोसीड टू डेयर नंबर वन। मेरा डेयर नंबर वन ये है, पढ़ सकते हैं आप लोग, मेरे को बहुत सारा खिचड़ी बना के पीना है। आई हेट दैट। तो इसमें मेरे को क्या करना है, पहले मेरे को दूध लेना है। दूध में मेरे को कोको कोला मिलाने बोला था पर मेरे पास कोको कोला नहीं था तो मैंने थम्सअप लिया। तो ये थम्सअप मेरे को इसमें मिलाना है, उसके बाद ये नींबू आधा मिलाना है और उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर मिलाना है और उसके बाद उसको शेक करके आधा पीना है। तो लेट्स सी कि मैं ये डेयर कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। और भी फनिंग डेयर्स आगे हैं तो वेट कीजिएगा सब चीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं। ओके। पहले मैं थम्स अप कर लूँ। तो अगर हाफ है तो हाफ पीना है, फुल लूंगी तो तब ना हाफ पीना होगा, तो इसका हाफ पीना है, मतलब यहाँ तक पीना है। ये रेसिपी बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा घर में और मेरे को बताइएगा किसने किसने ये ट्राई किया और कैसा लगा ये। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। शक्ति दे भगवान। मम्मी के साथ है तो मेरे को सेकंड डेयर में ये करना है कि एक हाफ बकेट पानी लेना है और मम्मी के रूम में जाना है और मम्मी के रूम में जाके मम्मी के सामने मेरे को वो हाफ बकेट पानी अपने ऊपर डालना है और मम्मी को बताना नहीं है कि ये एक डेयर था और मम्मी का रिएक्शन रिकॉर्ड करना है। तो मैं कैमरा कहीं फिक्स कर दूंगी और उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जल्दी करना होगा क्योंकि मेरी मम्मी निकलने वाली है कोलकाता, तो जल्दी जल्दी ये वाला डेयर कम्प्लीट करते हैं। चलिए मेरे साथ। पोछा लगा।
आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये डेयर कैसा लगा मम्मी का। मेरे को तो मतलब बहुत डांट पड़ा उसके बाद, क्योंकि पूरा रूम पानी पानी हो गया था। और उसके बाद लिटरली मम्मी मेरे से बोली पोछा लगाओ, मैं पोछा लगाई क्योंकि मम्मी का दिमाग एकदम फायर था कि ये वीडियो के लिए कुछ भी कर देगी। तो खैर ठीक है, अब मैं अपना थर्ड डेयर करने वाली हूँ। मेरा थर्ड डेयर है कि मेरे को अपने सारी फ्रेंड्स, मतलब सारी नहीं, 5 क्लोज फ्रेंड्स को फक ऑफ लिख के भेजना होगा और उन लोग का रिएक्शन मेरे को स्क्रीनशॉट करके दिखाना होगा। तो मैं किसको किसको भेजने वाली हूँ, मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ। पहला मैं भेजूंगी मेरी सबसे प्यारी दीक्षा को, सेकंड मैं जानवी को भेजूंगी, थर्ड मैं श्रद्धा को भेजूंगी, फोर्थ मैं कशिश को भेजूंगी और 5 मैं अनन्या को भेजूंगी। तो मैं ये 5 को भेजने वाली हूँ और देखती हूँ सबका क्या रिएक्शन रहता है। मेरे अंदाज से मेरे को रिटर्न गाली मिलने वाला है और मे भी जानवी सीरियस हो सकती है कि मेरे को ये क्यों लिख के भेज रही है। दीक्षा का तो मेरे को नहीं लगता एकदम भी सीरियस होने वाली है वो, और अनन्या का भी नहीं लगता, और श्रद्धा का नो गेस, पिछला प्रैंक मेरे को याद है, बहुत डिसअपॉइंट की थी मेरे को। तो चलिए करते हैं सबको मैसेज। तो ये है दीक्षा का रिएक्शन, आप लोग पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट है कशिश का रिएक्शन, फिर है ये जानवी का है रिएक्शन, देन अनन्या का रिएक्शन एंड इन लास्ट श्रद्धा का रिएक्शन। थर्ड डेयर है और हम लोग का थर्ड डेयर है, मेरे को ये डेयर इसने आदित्य ने दिया है और ये डेयर मेरे को करना है कि मेरे को अपना आवाज़ में एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना है और वो सॉन्ग स्कूल ग्रुप में भेजना है। तो हाँ ठीक है, थोड़ा डेयरिंग है, आज कुछ तूफानी करते हैं। मैं सुरीला आवाज़ मेरे स्कूल वालों को सुनाते हैं। ते पीछे डोलते हो भवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो कहीं नहीं। सो यार फ्रेंड्स, मैंने अपना ये डेयर भी कंप्लीट कर लिया, मैंने स्कूल ग्रुप में अपना वॉइस सुरीला सा आवाज भेज दिया। तो ऑफकोर्स उसने मेंशन नहीं किया था कि क्लास 12 के ग्रुप में भेजना है या क्लास 11 के ग्रुप में भेजना है, तो मैंने फिर से दिमाग लगाया और मैंने क्लास 11 के ग्रुप में भेजा जिसमें टीचर्स लीव कर चुके थे। सो सॉरी, थोड़ा सा चीटिंग की, पर फेयर है यार, रूल्स नहीं लिखा था इसमें, लिखना चाहिए था कि क्लास 12 वाले ग्रुप में भेजना, वरना तो मैं उसी में भेजती ना। खैर, तो मैंने ये डेयर भी कंप्लीट कर लिया है। पारी है मेरा नेक्स्ट ईयर का, जो मेरे को दी है श्रद्धा, और उसमें मेरे को करना है पब्लिक डांस। तो मैं ये उतरपाड़ा इलाके में आ गई हूँ, वो है मेन रोड, मैं मेन रोड पे नहीं करने वाली, पब्लिक मतलब पब्लिक होता है, तो ये मैं इस रोड पे करूँगी डांस। और वो ट्रेंडिंग सॉन्ग पे बोली है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट चैलेंज है तालाब में नहाने का, और ये चैलेंज मेरे को ये अनन्या दी है। तो अनन्या सॉरी, मैं तेरा चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर रही, तो मैं इस डेयर में हार रही हूँ क्योंकि मेरे को स्विमिंग नहीं आता है। तो मम्मी मेरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी तालाब में उतरने का, क्योंकि यहाँ का तालाब थोड़ा डीप है, तो अगर मैं गई अंदर तो मैं वीडियो भी सब चला जाएगा, तो इसलिए मैं वो वाला चैलेंज नहीं कर रही। तो मैं इस डेयर में हारती हूँ, सो या सॉरी। यहाँ पे मेरा ये वाला चैलेंज होता है कंप्लीट। सो अब शायद कोई चैलेंज नहीं बचा है, तो या अगर आप लोग को सारे चैलेंजेस अच्छे लगे होंगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और
मेरे इंस्टाग्राम को जरूर जाके फॉलो कीजिएगा ताकि नेक्स्ट चैलेंज डेयर आप भी दे पाए। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम लिंक आ रहा है तो वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम आप भी मेरे को डेयर दीजिएगा अगर इसका पार्ट टू बना। अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इंस्टाग्राम पर पोल करूँगी और अपना अपना डेयर दे सकते हैं आप लोग। तो तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।